बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत भटलो गांव में 60 साल के वृद्ध की हत्या से इलाके में फैली सनसनी। शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया रीवा के संजय गांधी अस्पताल। पुलिस जुटी जांच में, शीघ्र ही अपराधियों को पकड़ जेल की सलाखों के पीछे भेजने का है दावा। रीवा जिले के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत भटलो गांव में 60 वर्षीय वृद्ध की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के बारे में बताया जा रहा कि मृतक सीधा साधा था, उसका किसी से कोई भी विवाद नहीं था। मृतक की हत्या देर रात अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से गला रेत कर की है। पुलिस को मौके पर कुछ इस तरीके की जानकारी मिली है। फिलहाल मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है पुलिस। रीवा शहर में बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत भटलो गांव में 60 वर्षीय वृद्ध की गला रेत कर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंचे बिछिया पुलिस ने पंचनामा कर शव को संजय गांधी अस्पताल पहुंचा दिया। बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया, वृद्ध के गले में चाकू से वार किया गया। मरने वाले का नाम राम मिलन कोल बताया गया है। पुलिस को उसके कान के नीचे धारदार हथियार से गंभीर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस यह मानकर चल रही है इसी चोट की वजह से मृतक की मौत हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस को जानकारी हासिल हुई है, मृतक का इलाके में किसी से कोई विवाद नहीं था। मृतक काफी सीधा साधा था। अभी 6 महीने पहले ही मृतक के पुत्र की मौत हो गई थी। पुलिस द्वारा इस घटना के सारे पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस का मानना है वह अपराधियों तक जल्द ही पहुंच जाएगी। जल्दी ही आरोपियों को पकड़कर जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। इस बारे में हमने बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर से बात की। आइए आपको सुनाते हैं घटना को लेकर उन्होंने क्या कुछ बताया। जी हाँ, आज सुबह करीब 6:30 बजे जो है एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को जो है, जो नाम है उसका राम मिलन कोल, उसके ऊपर किसी व्यक्ति ने जो है एक धारदार हथियार से जो है गले के साइड में जो है चाकू से हमला कर दिया है। सूचना पर हम लोग तस्दीक के लिए गए थे तो देखा कि एक कान के नीचे जो है धारदार हथियार से उसका एक कट लगा हुआ है और उसी से उसकी जो है मृत्यु होना संभावित है। और आगे कार्रवाई जो है के लिए हम लोग लगे हुए हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। प्रारंभिक जांच में कुछ जानकारी सामने आई, परिजनों को संदेह जताया है किस पर? अभी चूंकि उसका किसी से वाद विवाद था नहीं और बहुत ज़्यादा सीधा व्यक्ति है, तो इस तरीके से समझ में आ रहा है कि कुछ पारिवारिक ही विवाद हो संभावना है। और अभी कहा कुछ नहीं जा सकता है, क्या तक सामने आएंगे, जो भी होगा तो विवेचना का पार्ट है, वो आपको अवगत हो जाएगा।